अस्सलाम वालेकुम, आज हम बना रहे हैं पाइनएप्पल पेस्ट्री। पाइनएप्पल पेस्ट्री के लिए सबसे पहले हम स्पंज तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने चीज़ें ली हैं। 4 ounce हमने मैदा लिया है, 4 ounce मतलब 8 tablespoon। 4 ounce हमने कास्टर्ड शुगर लिया है, 4 ounce मतलब 8 tablespoon लेवल करके। 1 teaspoon हमने बेकिंग पाउडर लिया है, 1/2 teaspoon वनीला एसेंस लिया और 4 अदर अंडे लिए। सबसे पहले हम अंडा और कास्टर्ड शुगर को बीट करेंगे। सबसे पहले हम अंडों को बीट करेंगे। अंडों को हमने अच्छे से बीट कर लिया, अब इसमें हम कास्टर्ड शुगर डालेंगे और इसे भी बीट करेंगे। अंडा और चीनी को हमने अच्छे से बीट कर लिया, इसके बाद हम इसमें मैदा डालेंगे। मैदे को छान लेंगे। मैदे को और बेकिंग पाउडर को हम छान लेंगे, साथ इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया हमने इसे, अब इसमें हम लहसुन डालेंगे, फिर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब एक केक मोल्ड लेंगे। उसमें हमने बटर लगा के उसे बटर पेपर लगा के ग्रीस कर लिया, अब इसमें डाल देंगे। एक 180 degrees पे हमने ओवन को प्री हीट किया है आधे घंटे के लिए, अब इसे बेक करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 180 पे ढक के हम इसे बेक करेंगे 15 से 20 मिनट तक। केक बेक हो चुका है, अब इसे निकाल लेंगे। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे 5-10 मिनट के लिए, अब इसे हम निकाल लेंगे। अभी ये गर्म है, जैसे ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे, जो एक्स्ट्रा इसे ऊपर वाला इसे उतार देंगे, हल्का हल्का सा उतार देंगे। ऊपर से जो एक्स्ट्रा था वो हमने निकाल लिया, अब इसकी कटिंग करेंगे। इसे 2 slices करेंगे इसके। दो स्पंज बनाने इसके। अब फ्रोस्टिंग के लिए जो चीज़ें लेनी है वो मैं आपको बताऊंगी। पेस्ट्री की टॉपिंग के लिए हम लेंगे पाइनएप्पल सिरप 1 cup। 1 cup हम पाइनएप्पल चंक्स लेंगे और थोड़ी सी चेरीज लेंगे। और फ्रोस्टिंग के लिए लेंगे हम व्हिपिंग क्रीम। व्हिप क्रीम आप घर में आसानी से बना सकते हैं। फ्रेश क्रीम लें और उसमें आइसिंग शुगर डालें और उसे बीट कर लें, और नीचे बर्फ़ रख लें और उसे अच्छे से बीट कर लें, तो आपकी व्हिपिंग क्रीम तैयार हो जाएगी। अब इसमें हम पाइनएप्पल सिरप लगाएंगे। अब उस पर हम क्रीम लगाएंगे। अब हम इसमें पाइनएप्पल लगाएंगे जो हमने चॉप कर लिया। अब इस पर हम दूसरा वाला स्पंज रख देंगे। इस पे भी हम सिरप डालेंगे। अब ऊपर से क्रीम लगाएंगे। ये सारी हमने क्रीम लगा ली, अब इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह हमने इसकी कटिंग कर ली। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे हम डेकोरेट कर लेंगे। अब हम इस पे पाइनएप्पल लगाएंगे। Thank you.
ये लीजिए, तैयार है पाइन एप्पल पेस्ट्री। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।